हेलो लर्नर्स, अब हम रशियन रेवोल्यूशन को डिटेल में बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं। आज हम लोगों को बात करनी है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड के बारे में। जानते हैं दोस्तों, 1917 में एक रिवर ने पेट्रोग्राड सिटी में रहने वाले लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। इस रिवर का नाम था रिवर नेवा। इस रिवर के लेफ्ट साइड में फैशनेबल ग्रुप डूमा, विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग सिचुएटेड थी। इस रिवर के राइट साइड में वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्री सिचुएटेड थी। ज्यादातर राइट साइड के लोगों को, यानी कि वर्कर्स को, फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ता। जार निकोलस सेकंड ने अब डूमा को खत्म करने की बात की, लेकिन दोस्तों रेवोल्यूशनरीज ने पूरी तरीके से इस डिसीजन को अपोज किया। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में लॉकआउट की सिचुएशन आ गई। इसकी वजह से एक फैक्ट्री ओनर ने वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करने से बिल्कुल मना कर दिया, और इसी रीजन की वजह से 50 फैक्ट्रीज में वर्कर्स ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। जानते हैं दोस्तों, ज्यादातर स्ट्राइक्स को विमेन ने लीड किया, इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल विमेन्स डे के नाम से भी बुलाने लगे। ये स्ट्राइक सेंट पीटर्सबर्ग की एक मेन स्ट्रीट तक जा पहुंची, जिसका नाम था नेवस्की प्रोस्पेक्ट। यहां पर वर्कर्स ने फैशनेबल सोसाइटी को और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को घेर लिया, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। 24 और 25 फरवरी को ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी होने लगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने कैवलरी और पुलिस निगरानी का ऑर्डर भी इशू कर दिया। दोस्तों, 25 फरवरी 1917 को गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। कुछ पॉलिटिशियंस ने इस डिसीजन को अपोज किया और पब्लिक प्रोटेस्ट भी फिर से शुरू हो गया। इस बार तो प्रोटेस्ट और भी बहुत ही बड़े तरीके से होने लगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर से कैवलरी को बुला लिया। लेकिन दोस्तों, इस बार सोल्जर्स ने वर्कर्स को मारने से बिल्कुल मना कर दिया। इनफैक्ट इस बार सोल्जर्स ने वर्कर्स का साथ देने की बात की, इसीलिए सभी सोल्जर्स और वर्कर्स डूमा की बिल्डिंग में इकट्ठा हुए और उन्होंने खुद को एक काउंसिल डिक्लेयर कर दिया। इस काउंसिल का नाम रखा गया पेट्रोग्राड सोवियत। दोस्तों, 2 मार्च को कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स की एडवाइस से जार निकोलस सेकंड ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। अब सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स की मदद से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इलेक्ट की गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से रशिया से मोनार्की सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से रशियन सोसाइटी में और कौन कौन से बदलाव आने लगे। इसीलिए आज का 2nd टॉपिक आफ्टर फरवरी हम लोग शुरू करते हैं। फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से रशियन सोसाइटी में बहुत से बदलाव आने लगे। सबसे पहला, पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन से सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। दूसरा, पेट्रोग्राड सोवियत अब रशियन सोसाइटी में हर जगह बनने लगी। लेकिन दोस्तों, कॉमन इलेक्शन सिस्टम अभी भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था। तीसरा, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल 1917 में अप्रैल थीसिस की मांग की। अप्रैल थीसिस में व्लादिमीर लेनिन ने अपनी 3 मांगे रखी। सबसे पहली, वॉर को बंद किया जाए। दूसरा, पीजेंट्स को लैंड्स ट्रांसफर की जाए। और तीसरा, सभी बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से बुला देना चाहिए। चौथा बदलाव आया दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री कमिटीज भी बनने लगी। ऐसा इसीलिए होने लगा ताकि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। पांचवा, ट्रेड यूनियंस और सोल्जर कमेटीज भी अब बनने लगी थी। दोस्तों, एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत मीटिंग में 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा
कि रशिया के लोग तो बोल्शेविक पार्टी को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इससे प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर्स तो बहुत ही कम हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों प्रोविजनल गवर्नमेंट ने वर्कर्स को फैक्ट्रीज में काम करने से मना कर दिया और बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को वो लोग पकड़ने लगे। इस सिचुएशन से डरकर बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स ने डरकर छुपना शुरू कर दिया। कंट्री साइड की बात करें तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारी लैंड कमेटीज भी बनाई गई। जुलाई और सितंबर में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज की मदद से पीजेंट्स ने फोर्सफुली लैंड को हड़पना भी शुरू कर दिया। अब डिस्कस करते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 के बारे में। दोस्तों प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी में अब बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे थे। व्लादिमीर लेनिन को डर लगने लगा कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट रशिया में डिक्टेटरशिप ना एस्टैब्लिश कर दे। इसीलिए लेनिन ने सोवियत और फैक्ट्रीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का डिसीजन ले लिया। 16 अक्टूबर को व्लादिमीर लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के लोगों को मना लिया कि अब रशिया में सोशलिस्ट पावर एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए। इसीलिए लियोन ट्रॉट्स्की, जो कि एक सोवियत पॉलिटिशियन थे, इन्होंने पेट्रोग्राद सोवियत की मदद से एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी एस्टैब्लिश की। इस कमेटी ने 24 अक्टूबर को फाइनली गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने सिटी छोड़ दिया ताकि वो सोल्जर्स को बुला सके इस रिवोल्ट की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दोस्तों शाम तक ही कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स ने, जो गवर्नमेंट से लॉयल थे, उन्होंने दो बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग को सीज कर दिया और काफी सारे सोल्जर्स टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाए गए। दूसरी तरफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने का और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सीज करने का ऑर्डर इशू कर दिया। शाम तक ही अरोरा शिप की मदद से विंटर पैलेस को सीज कर दिया गया और बाकी शिप्स की मदद से गवर्नमेंट के सारे मिलिट्री पॉइंट्स को हड़प लिया गया। अब दोस्तों मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी पूरे सिटी पर अपना कंट्रोल जमा चुकी थी। इससे डरकर काफी मिनिस्टर्स ने सरेंडर भी कर दिया। एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत मीटिंग बुलाई गई पेट्रोग्राड में। इस मीटिंग में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने बोल्शेविक पार्टी के आइडिया को सपोर्ट किया और इसीलिए इस रिवोल्ट में बोल्शेविक पार्टी जीत गई। दोस्तों ये रिवोल्ट काफी सारे सिटीज में भी हुआ। मॉस्को में भी ऐसा ही रिवोल्ट देखने को मिला और इसीलिए अब बोल्शेविक पार्टी ने पूरे मॉस्को और पेट्रोग्राद एरिया पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से रशियन सोसाइटी में कौन कौन से बदलाव आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।